एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनावी परंपरा को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। हिमाचल में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। हमारे साथ हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, क्या उन्हें लगता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मुख्यमंत्री, आपका कहना है कि राज नहीं रिवाज बदलेगा, तो क्या रिवाज बदलेगा? देखिए, हमारी बड़ी स्पष्ट मान्यता है, कभी न कभी किसी चीज़ की शुरुआत होती है, और अब की बार जो दौर आ गया है जहाँ हिमाचल प्रदेश में आज से पहले हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, अब की बार रिवाज बदलेगा, यानी कि जो रिवाज बना है उसको बदल करके छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री, जो चुनाव का हमने देखा, घोषणा पत्र देखा है कि उसमें महिला सशक्तिकरण पर आपने काफ़ी बल दिया है, तो क्या इसके पीछे? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हमने पहले से ही फोकस होकर के काम किया है, लेकिन अभी जो हमारा ये कमिटमेंट जो है 11 पॉइंट्स का, जो नई अभी हमारी इसमें जो घोषणा पत्र में हमने अपनी बात कही है, उसमें और ज़्यादा फोकस उसमें दिया है। और मैं समझता हूँ कि महिला कुल आबादी का आधा हिस्सा है, तो निश्चित रूप से महिलाओं को और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए हमको अपॉर्चुनिटी देना है, तो कुछ उनको सशक्तिकरण की दृष्टि से मदद करने की ज़रूरत है। तो वो हमने इस बार जो 11 पॉइंट्स जो हमने उसमें दिए हैं, उन पॉइंट्स के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा एक माहौल महिलाओं के बीच में गया है और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट। मुख्यमंत्री जी, अगर हम कहें कि 3 ऐसी उपलब्धियां जो साल के काम की रही, तो किनको? मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल केंद्र द्वारा दी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, और जहाँ प्रदेश सरकार की अगर आप बात कहें तो हिम केयर, जहाँ हेल्थ कवर पूरे हिमाचल के सभी लोगों के लिए हमने उसमें तय किया, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गृहिणी सुविधा योजना, हर घर में गैस का चूल्हा, पूरे देश में पहला स्टेट है हिमाचल प्रदेश जहाँ हर घर में गैस का चूल्हा आया है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश जो हम स्वावलंबन योजना, जिस योजना के अंतर्गत हम नौजवानों को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए लोन देते हैं और उसमें 25% जो उसमें सब्सिडी दे करके उनको अपने पांव पर खड़ा होने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं। मुझे लगता है कि 3 योजनाओं में कहना बहुत कठिन हो जाएगा, बड़ी योजना हिमाचल प्रदेश में, जिससे हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ। इसका कोई असर रहे? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत अंतर है, कहना एक बात लेकिन लोग मानते हैं क्या नहीं। वो करते हैं जो नरेंद्र मोदी जी और अटल जी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ कनेक्ट बनाया, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत फासला है अभी तक फासला। वो टूरिस्ट की तरह आती हैं और टूरिस्ट की तरह रहती हैं, जब आती हैं किसी को मिलती नहीं है, किसी को जानकर ना उनका आने का पता होता है ना जाने का पता होता है। और कांग्रेस पार्टी के ही नेता कहते हैं कि यहाँ आते हैं तो सारे दरवाजे कांग्रेस के लोगों को मिलने के लिए बंद होते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं चाहे अटल जी आते थे तो लोगों को बुला बुला करके मिलते थे। तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, वो कनेक्ट नहीं है और वो भावना नहीं और वो हिमाचल के साथ उनका जुड़ाव नहीं। एक आखिरी सवाल, बेरोजगारी यहाँ मुद्दा है, कांग्रेस का कहना है कि उनकी अगर सरकार आती है तो 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में यही कहा था 2012 में, जब चुनाव हुआ, जब सत्ता में आए थे ये, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। क्या दी हमने? सरकार इनकी बनी 2013 से 2017 तक। इन्होंने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन क्या इन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया? जो चीजें इन्होंने बोली थी नहीं करेगा और विश्वास करेगा। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को, आपने काफी प्रचार में लगे, अभी तक वो कितने मिल रहे? हम बहुत कंफर्टेबल होकर सरकार बना रहे हैं और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और रिवाज बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जिन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर रिवाज बदलेगा।